subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद दम तोड़ गए। एक ही दिन में 1637 नए केसेस की तशखीस। मुल्क भर में 47,41,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ अदालती इश्तिहारी करार, जायदाद कर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को सस्ती बिजली के हुसूल में मदद की पेशकश। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि शमसी तवनाई और पिन बिजली से अगले 20 साल में पाकिस्तान को 5 अरब अमरीकी डॉलर की बचत होगी। पाकिस्तान को तवनाई के लिए ज्यादा तवील उलमुद्दती पॉलिसी पर गौर करने की जरूरत है। हुकूमत ने GB इलेक्शन में धांधली की कोशिश की तो आवाम नहीं छोड़ेगी। मरियम नवाज कहती हैं, शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। इंसान हुकूमत अपनी इज्जत के लिए करता है, जिल्लत की हुकूमत से इज्जत की मौत अच्छी है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं चाहते, जबकि जमहूरी लोग ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करते। शहर की तरक्की के लिए MQM के तमाम धड़े यकजा हो जाएं। कोई अकेला मसाइल पर काबू नहीं पा सकता। MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की टैक टीवी के प्रोग्राम टैक टॉक में गुफ्तगु। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तजीशुदा केसेस की तादाद 3,46,476 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,637 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,07,329, सिंध में 1,50,834, खैबर पख्तूनख्वा में 40,843, बलोचिस्तान में 16,152, गिलगित बल्तिस्तान में 4,378, इस्लामाबाद में 22,110, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,830 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 47,41,507 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,904 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,19,431 मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 1,052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 23 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,000 हो गई। पंजाब में 2,420, सिंध में 2,687, खैबर पख्तूनख्वा में 1,290, इस्लामाबाद में 244, बलोचिस्तान में 154, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आज़ाद कश्मीर में 112 मरीज जान से हाथ धो बैठे। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार देते हुए उनकी जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत की। केस के मुलजिम साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। नए प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ के इश्तिहारात जारी हुए 30 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, मुलजिम को अदालती मफरूर करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसके साथ ही अदालत ने उनकी जायदाद कर्क करने का हुक्म भी दे दिया। नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुक्म दिया गया कि आइंदा समाअत पर जायदाद कर्क करने की रिपोर्ट पेश की जाए। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर को होगी।
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की तवानाई जरूरियात के हवाले से ताज़ा सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मुतबादल तवानाई से फौरी और तवील मुद्दती मुआशी और माहौलियाती फवायद हासिल होंगे। हम 2030 तक सस्ती और काबिल एतमाद बिजली के हुसूल में पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान को सूरज और हवा से तवानाई के हुसूल पर तेजी से अमल दरामद करना चाहिए क्योंकि मुतबादल तवानाई में ही पाकिस्तान के पावर सिस्टम का मुस्तकबिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2030 तक कम से कम 30% बिजली शमसी तवानाई और हवा से हासिल करना होगी। मुतबादल तवानाई से न सिर्फ लागत और ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि अगले 20 साल में पाकिस्तान को 5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराज की बचत होगी। पाकिस्तान को तवानाई के लिए ज्यादा तवील मुद्दती पॉलिसी पर गौर करने की जरूरत है और घरेलू दरामद शुदा कोयले से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी लाई जानी चाहिए। पाकिस्तान को लोड शेडिंग के चक्कर को दोहराने से बचने की जरूरत है जिसके लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबों और ट्रांसमिशन सिस्टम से वाबस्ता सरमायाकारी का अमल फौरी शुरू करना चाहिए। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा रिफत हसन का कहना है कि पाकिस्तान शमसी और हवा के मकामी वसाइल पर ज्यादा इन्हिसार के समरात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान इस जाली हुकूमत को बददुआएं दे रहा है। दवाओं की कीमत में 600% इजाफा हो गया, अब मरना भी आसान नहीं। पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की आवाम रो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने दिल से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की खिदमत की, इस दौर में यूनिवर्सिटी कैंप्स बनाएंगे। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली की कोशिश की तो आवाम नहीं छोड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तूर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान शेरों की धरती है, गीदड़ सिर्फ वादे करते हैं, शेर निभाते हैं। हम वादे करना और उनका निभाना जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 4G इंटरनेट मिलना चाहिए। चाहती हूँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाली मकामी खवातीन को मुफ्त लैपटॉप दिए जाए। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग जिस तरह आए हैं उसी तरह चले जाएंगे। उन्होंने एक वालिद के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया, मुझे हक की आवाज़ उठाने पर हिरासत में लिया गया। शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। इंसान हुकूमत अपनी इज्जत के लिए करता है, जिल्लत की हुकूमत से इज्जत की मौत अच्छी है। मरियम नवाज ने कहा कि पूरा पाकिस्तान इस जाली हुकूमत को बददुआएं दे रहा है। दवाओं की कीमत में 600% इजाफा हो गया, अब मरना भी आसान नहीं। पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के आवाम रो रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी और महंगाई का खात्मा किया, अगर धांधली की कोशिश की तो आवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी, उनको घरों तक पहुंचा कर आएंगे। टैक टीवी के प्रोग्राम टैक टॉक में गुफ्तगु करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि उनकी पार्टी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सिंधो कराची के वसीतर मुफाद के खातिर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपने साथ काम करने की दावत देता हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबरा MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि दुनिया से झूठे लोगों का खात्मा शुरू हो चुका है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त जिसकी ताज़ा मिसाल है, जबकि आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत का भी खात्मा होने वाला है। टैक टीवी के प्रोग्राम टैक टॉक में गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि उनकी पार्टी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने MQM में रहकर करप्शन के खिलाफ सदा बुलंद की। सिंध और कराची के वसीतर मफाद की खातिर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपने साथ काम करने की दावत देता हूँ। शहर की तरक्की के लिए MQM के तमाम धड़े यकजा हो जाए, कोई अकेला मसाइल पर काबू नहीं पा सकता। अपनी अना को एक तरफ रखना होगा, खालिद मकबूल को मेरे साथ खड़ा होना होगा और मुस्तफ़ा कमाल को भी। इसके बावजूद कि उनका जलसा जो अभी हुआ मुनासिब था, एक पार्टी का था और वसाइल उनके पास थे तो उन्होंने जलसा किया। ये एक MQM का धड़ा है जिसने जलसा किया। अगर MQM के सारे जो यहाँ हम जमा हो जाएं और पार्टियाँ ना मर्ज करें, सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट, सिंध अर्बन कौमी अलाइंस, नेशनल अलाइंस, सूना या SQM बना लें हम, अगर ये हम बना लें और एक 13 नुकाती, वो 26 नुकाती एजेंडा है PDM का, हम एक 13 नुकाती बना ले और हम जुड़ जाएं, तो फिर अगला मेयर भी
कराची से कराची का होगा। सरबरा MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं चाहते जबकि जमहूरी लोग ऐसे इकदामात की हिमायत नहीं करते। फारूक सत्तार का कहना था कि पाकिस्तान को पालने वाले शहर के लिए तमाम जबानें बोलने वालों के साथ मिलकर चलने को तैयार हूँ। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे K4 मंसूबे समेत मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाना चाहिए। फारूक सत्तार का कहना था कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत का क्याम यकीनी बनाया जाए और गैर जानिबदार तरीके से मर्दुम शुमारी कराई जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।